नमस्कार, इस समय करनाल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जिस तरह से करनाल के व्यापारियों ने अपनी तरफ से एक मांग जिला प्रशासन को रखी थी करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, और उस पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ही देर पहले करनाल के डिप्टी कमिश्नर से हमारी खुद फोन पर बातचीत हुई है और कुछ ही देर में ऑफिशियली प्रेस नोट भी वह जारी कर रहे हैं। तो ऑफिशियली तौर पर यह अनाउंस कर दिया गया है कि संडे को बाजार खुले रहेंगे। जी हाँ, हालांकि रविवार को पिछले दिनों जो है जिला प्रशासन की तरफ से ये पूछा गया था, हमने जब कहा था कि क्या बाजार खुले रहेंगे, लेकिन उस समय शायद इस पर फैसला नहीं लिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से पानीपत जिला में फैसला लिया गया है और आज करनाल में भी जो है इस तरह का फैसला ले लिया गया है, और हमारी खुद डिप्टी कमिश्नर करनाल निशांत कुमार यादव जी से बात हुई है, उनका कहना है कि मेरी व्यापारिक संगठनों से भी बात हुई है, व्यापारी लोग ये चाहते थे कि कोरोना के दौरान जो है उनका बिजनेस इतना नहीं चल पाया, रक्षाबंधन त्यौहार है, हर किसी ने संडे को कुछ एक खरीदारी अगर करनी होती है, क्योंकि सोमवार सुबह सुबह त्यौहार का दिन है। हालांकि कोरोना के दौरान सभी लोगों से अपील ये की जाती है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोशिश कीजिए बिल्कुल भी ना जाए। अगर आपको लगता है कि बाजार में भीड़ है तो आप ना जाइएगा, एक दिन पहले ही दो दिन पहले खरीदारी कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी दुकानदारों के लिए मैसेज दिया जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सभी मार्केट से सभी दुकानदारों के लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पास फोन आ रहे थे कि वह चाहते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से वह अपनी आवाज पहुंचा पाए, और हमने ये आवाज जिला प्रशासन तक, करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव जी तक पहुंचाई थी। और अभी कुछ ही देर पहले, 5 मिनट पहले, खुद हमारी डिप्टी कमिश्नर करनाल निशांत कुमार यादव जी से ऑफिशियली फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि रविवार को बाजार खुले रहेंगे, और कुछ ही देर पहले हमारे जो व्यापारी व्यापार मंडल के प्रधान है कृष्णलाल तनेजा, उनसे भी हमारी फोन पर बात हुई है, उनसे भी जो है करनाल प्रशासन की बातचीत हो चुकी है, उनको भी हम लाइव पर लेना चाहेंगे। और सभी व्यापारी भाइयों से, खासतौर पर मिठाई की दुकानों से, राखी वाले दुकानों से, सूट वालों से, बड़े बड़े शोरूम से, जो भी हैं, सभी बाजार रविवार को पूरे समय अनुसार खुले रहेंगे, जिस तरह से पहले खुला करते थे 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुले रहेंगे। हाँ जी, कृष्णलाल तनेजा जी। हाँ तनेजा जी, नमस्कार, इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव हैं आप, तो डिप्टी कमिश्नर सर से भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रविवार को बाजार खुले रहेंगे, तो आपकी कुछ बात हो पाई है? हाँ जी, मेरे हम 2-3 दिन पहले भी डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने हमारे को यही कहा था भी 1-2 दिन के अंदर आपसे याद बनाकर व्यापारियों से, जैसे भी हमारी बात हुई सर डीसी साहब से, अभी ठीक 10 मिनट पहले मेरी डीसी साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कोरोना के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी भी कोरोना के अंदर बहुत मार्केट पहले डाउन है, इसलिए संडे को खोला जाए त्योहार का टाइम में। जी जी, तो आपने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया, और उन्होंने कहा कि संडे को पूर्ण रूप से खुली रहती है मार्केट, खुली रहेगी। ठीक है सर, शुक्रिया, बस थोड़ा कोशिश आप भी कीजिएगा कि सभी व्यापारी भाइयों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, बाहर रस्सी वगैरह जरूर बांधी हो ताकि भीड़ ज्यादा दुकान पर ना लग पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी व्यापारियों से ये जो सस्ते की मार्केट है उसको बिल्कुल अपना बचाव करते हुए बिल्कुल मार्केट को पूर्ण रूप से सुबह 9 से जो रूटीन में जैसे संडे में खुलता है जी, वर्किंग डे में खुलता है, संडे भी जैसे खुले रहेगा। जी शुक्रिया तनेजा जी, शुक्रिया तनेजा जी, शुक्रिया तनेजा जी। तो ये आपने देखा, इस समय व्यापार मंडल के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद है, करनाल डिप्टी कमिश्नर से भी हमारी बात हुई है, और कल हमारी जो व्यापारी एसोसिएशन के जो प्रधान है, बांबा जी हैं, श्याम बत्रा जी हैं, दीपक गुप्ता हैं, तमाम जो व्यापारी मंडलों के करनाल के जो प्रधान है, अलग अलग बाजारों के प्रधान है, कपड़ा मार्केट के प्रधान है, लेकिन कपड़ा मार्केट तो संडे को खुलती ही थी क्योंकि वीरवार को वह बंद रहती थी, तो सभी बाजार पहले तो हालांकि ये होता था कि रविवार को सिर्फ मिठाई की दुकान खुली रहेगी, रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, होटल खुले रहेंगे, डेयरी खुली रहेगी, केमिस्ट शॉप्स खुली रहेंगी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर करनाल ने आदेश जारी कर दी है, रक्षाबंधन त्यौहार क्योंकि सोमवार को है, इसके ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दूसरे जिलों में जो है जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया था कि रविवार को बाजार खुले रहेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने करनाल के व्यापारियों की, करनाल के व्यापारिक संगठनों की आवाज जो है करनाल प्रशासन तक पहुंचाई थी, और करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया है कि रविवार को सभी बाजार खुले रहेंगे, चाहे वे मिठाई की दुकान हो, राखी की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, 9 से 8 बजे का समय रहेगा। और आप सभी से अपील है कि त्यौहार आ रहा है, हालांकि महामारी चल रही है, कोशिश आपने ये करनी है कि अगर बहन या भाई अगर काफी दूर जाना है, दिल्ली जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, तो ना जाइएगा क्योंकि रेड जोन एरिया है। अगर आपको दूसरे जिले में भी जाना है तो कोशिश कीजिएगा, उससे भी गुरेज कीजिएगा, क्योंकि त्यौहार तो फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप में कोई भी संक्रमित है तो आप अपनी बहन के परिवार में भी जाकर जो है बीमारी दे सकते हैं, इसलिए आपने सावधानी जरूर बरतनी है। अगर आपको दूसरे जिलों में जाना है, दूसरे प्रदेशों में अपनी बहन के पास जाना है, बहनों ने आना है, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, मास्क जरूर होने चाहिए,
ग्लव्स कोशिश कीजिए कि आप जरूर डालिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर कीजिए, तो आपने तमाम तरह की सावधानियां जरूर बरतनी है। बच्चों को बुजुर्गों को बाजार में ना लेकर जाना, ये बार बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील कर रहा है, विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं से भी अपील कर रहा है कि बाजार रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन महिलाएं बच्चे बुजुर्ग ना जाएं। आप पुरुषों को अपने भाई को अपने पति को बाजार से कुछ भी सामान की लिस्ट जो है दे सकती हैं ताकि वह सामान लेकर आदमी घर आ जाए, आप बाजार में ना जाइएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करता है, सभी घर के मुखिया से अपील करता है, आदमियों से अपील करता है, भाइयों से अपील करता है, पतियों से अपील करता है कि आप अपनी घर की महिलाओं को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को बाजार में रक्षाबंधन के दौरान खरीदारी करने बिल्कुल भी ना भेजिएगा, बिल्कुल भी ना भेजिएगा, क्योंकि भीड़ होगी। हालांकि रविवार को बाजार खुले रहेंगे, आप भी सामान ला सकते हैं, लिस्ट आप घर से ले सकते हैं। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि करनाल के हर एक शख्स तक ये जानकारी पहुंच पाए, हर एक व्यापारी तक जानकारी पहुंच पाए, हर एक दुकानदार तक ये जानकारी पहुंच पाए कि सभी बाजार खुले रहेंगे। करनाल प्रशासन ने ऑफिशियली तौर पर इसको अनाउंस कर दिया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।